ये कहानी है एक रोजर नाम के लड़के की जो अपनी हवस के चलते घर की सारी औरतों को प्रेग्नेंट कर देता है। इस काम को वो कैसे अंजाम देता है ये देख के आपको मजा ही आ जाएगा। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उस मूवी का नाम है व्हाट एवरी फ्रांस वुमन वांट, जो 1986 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम रोजर को देखते हैं जो अपनी स्कूल की छुट्टियों में घर आ रहा होता है और उसे लेने के लिए उस घर की मेड मिस लपिता आई हुई थी। जब वो बहन से मिलता है जिसका नाम बर्था होता है। रोजर और बर्था के आपस में बहुत बनती थी, इसलिए एक दिन बर्था रोजर को जंगल में घुमाने ले जाती है। वो जब जंगल में घूम रहे होते हैं तभी उन्हें घर की मेड लपिता मिलती है और जब झाड़ियों में देखता है हेलन को बेलन मिलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, पर वो आदमी कौन था ये रोजर को नहीं पता चलता। इसके बाद रोजर सो रहा होता है तभी उसके पास बर्था आती है और वो दोनों बातें करते हैं, जहाँ बर्था रोजर को बताती है को लेकर उसकी मॉम के पास जाते हैं और उनसे शिकायत करते हैं। रोजर की मॉम फादर से पूछती है कि इसे क्या सजा मिलनी चाहिए, तब फादर कहते हैं कि इसे मार मार कर इसका पिछोड़ा लाल कर दिया जाए। रोजर की मॉम को ये बात पसंद आ जाती है और वो ये काम मार्गरेट को सौंपती है। मार्गरेट रोजर को मार मार कर उसका पिछोड़ा लाल कर देती है। अब रोजर बिस्तर पे उल्टा होके सो रहा था और तभी उसे कप बजने की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपने रूम से बाहर जाके देखता है तो इस बार भी हेलन दरवाजे पर अटकी हुई थी और कोई पीछे से हेलन को बेलन दे रहा था। हेलन का काम हो जाने के बाद वो वहाँ से चली जाती है, पर रोजर को अभी भी नहीं पता था कि आखिर वो बंदा है कौन। आखिर वो बंदा है कौन जो सरेआम हेलन की पुंगी बजा रहा था। तब हेलन कहती है कि ये हम मेड का सीक्रेट है और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर देखता है कि मिस्टर फ्रैंक अपनी पैंट में आग डालकर दूरबीन से कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन जब वो रोजर को देखते हैं तो वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद रोजर दूरबीन से देखने लगता है, जहाँ वो देखता है कि बाहर घास के मैदान में एक बंदा और बंदी बिना कपड़ों के नागिन डांस कर रहे होते हैं। फिर थोड़ा रोजर उस किताब को छुपा कर ले जाता है और एक अस्तबल में जाके पढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ हेलन भी मुर्गियों को दाना डालने आती है। नौकर उसे देखकर उसके पास जाता है
और उसे विंडो में फंसा देता है और बाहर जाके हेलन को बेलन देता है। बेलन के पड़ते ही हेलन चिल्लाने लगती है, इसलिए रोजर उसकी हेल्प करने जाता है, पर हेलन उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है क्योंकि उसे भी अब मजा आ रहा था। पकर बाहर जाके अकेले में पढ़ने लगती है। रोजर देखता है कि घर के सभी लोग चरम सुख का आनंद ले रहे थे और वो अकेला ही था जिसके हाथ अभी तक कुछ नहीं लगा था। अब जब वो करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी घर की एक मेड आ जाती है जिसे देखकर रोजर वहां से भाग जाता है। अब यहां भी रोजर को कुछ नहीं मिलता, इसलिए अब उसे मिस लपीते का ख्याल आता है और वो उनके पास जाता है और पीछे से उन पे हमला कर देता है। पहले तो मिस लपीते उसे मना कर देती है, पर बाद में वो भी मान जाती है। लेकिन तभी वहाँ एक पोस्टमैन आता है और वो उन्हें खबर देते हुए कहता है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच जंग छिड़ गई है। अब यहाँ भी रोजर का काम अधूरा रह जाता है और वहाँ पर मिस्टर फ्रैंक उन्हें कहते हैं कि उन्हें अस्थमा है, इसलिए वो जंग में नहीं जा रहे। अब रात को मायूस होकर उन्हें देख रहा था। अब अगली सुबह सारे मर्द जंग पर चले जाते हैं। उनके जाते ही रोजर अर्सल के पास जाता है और उसे पेल देता है। अदर को बताती है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ अलग अलग पोजीशन पे है और मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि मैं कोई पाप कर रही हूँ। ये सुनकर चर्च का पादरी उन्हें कहता है कि तुम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकती हो और इसमें कोई पाप भी नहीं है। अगले सीन में हम घर की एक मेड केट को देखते है जो नदी किनारे बैठी होती है। तभी वहाँ रोजर आता है और उसे भी वहीं पर पेल देता है। रात को रोजर अपनी मौसी का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद मार्गरेट आती है और रोजर उसे बातें करने लगता है। वो कहता है कि आप अभी तक वर्जिन हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। ये सुन के पहले तो वो नर्वस हो जाती है, पर बाद में वो भी मान जाती है और रोजर उसे भी पेल देता है। फिर थोड़ी देर बाद हेलन चाय देने आती है। जब वो जाने लगती है तब रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और हेलन को अपना बेलन देता है। फिर अगले दिन रोजर अस्तबल में जाता है जहां उसकी बहन एलिसा घोड़ों को साफ कर रही थी। अब यहां रोजर उसे सेड्यूस करने लगता है और वो मान भी जाती है और रोजर उसे भी पेल देता है। अब रोजर के कमरे में लड़कियों की लाइन लग गई थी, एक जाती थी तो दूसरी आती थी। कभी कभी तो रोजर एक साथ तीन लड़कियों को अंदर बुलाता था। एक दिन एलिसा रोजर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के रोजर को टेंशन होने लगती है और अब वॉर भी खत्म हो चुकी थी, इसलिए घर के सारे मर्द लौट आए थे। तभी अर्सल रोजर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी मार्गरेट भी उसे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब रोजर सोचने लगता है कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि अगर इस बात को पता उसकी मॉम को चला तो वो उसकी गोटियां निकलवा देगी। रोजर अलिसा से कहता है कि वो अपने मंगेतर के पास जाके उसे सेड्यूस करे ताकि सबको लगे कि ये बच्चा तुम्हारे मंगेतर का है। इसके बाद वो अलिसा के बेड पर जाके रेड नेट पॉलिश लगा देता है ताकि उसके मंगेतर को लगे कि अलिसा वर्जिन है। अब रोजर मार्गरेट के पास जाता है और उसे कहता है कि वो मिस्टर फ्रैंक से अपनी पुंगी बजवाए ताकि उन्हें लगे कि ये बच्चा उनका है। और अर्सल तो गांव के एक आदमी से शादी कर लेती है। इसके बाद तीनों औरतों की शादी हो जाती है और उसी रात एक बार फिर से रोजर हेलन को अपना बेलन देता है। हॉस्टल जाते टाइम हेलन उसे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, तो रोजर कहता है कि तुम्हारे लिए भी कोई आदमी ढूंढना होगा। तब हेलन कहती है कि मुझे तो घर के सभी मर्दों ने पेला है और मुझे जो भी पसंद आएगा मैं उस पर ये इल्जाम लगा दूंगी। और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।